कहने के तो सिंगरौली जिला है, लेकिन यहाँ भी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से छिन्न भिन्न हैं। यहाँ एम्बुलेंस ड्राइवर भी मनमानी पर उतार हुए हैं। बेड़न जा रही 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर और कर्मचारी ने मरीज से पैसे की मांग की और जब मरीजों ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो उन्हें बीच रास्ते में उतार कर एम्बुलेंस चलते बनी। ये मामला सरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहाँ पोखरी टोला और साझा पानी से विजय कुमार और एक महिला जो सरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आए थे, जिनको डॉक्टर सुषमा साहू ने बेड़न रेफर कर दिया और रेफर के बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस से बेड़न ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में गाड़ी रोक कर एम्बुलेंस के कर्मचारी और ड्राइवर ने मरीजों से पैसे मांगे और जब मरीजों ने पैसा नहीं दिया तब एम्बुलेंस के कर्मचारी और ड्राइवर ने उन्हें रास्ते में उतार दिया और पीड़ित रास्ते में परेशान होते रहे और लाचार अवस्था में इनको छोड़कर एम्बुलेंस वाले वहाँ से चलते बने। मेरा वो कह रहा 3 महीने पेट में बच्चा है मैडम का, उसका पेट कट गई है, रिपेयर हुआ है। ये एम्बुलेंस से क्या नाम से हम लोगों को मिला एम्बुलेंस वाले, उसमें 2 लोग थे ड्राइवर, एक और था, बोलो ये पैसा दो 1000 रुपये तभी ले जाएंगे, रिपेयर हुआ था ना तो एम्बुलेंस यहीं खड़ा था ना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।